लोग कहते हैं मॉर्निंग में पढ़ लिया करो, माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है। लोग कहते हैं बेटा स्कूल में अच्छे से पढ़ लिया करो, दिन में टाइम मिले तो, ठीक है। ज़्यादा रात को पढ़ना नहीं चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन कंपटीशन लेवल को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए, यदि हमारी तैयारी बेस्ट नहीं होगी तो हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच नहीं सकते। सो इसीलिए मेरा मानना है कि आपको जब टाइम मिलता है अपने रेगुलरली जीवन में, आपको जब टाइम मिलता है अब माइंड में एकदम सेट इस चीज़ को कर लीजिए कि मुझे सिर्फ पढ़ना ही है, मुझे सिर्फ अध्ययन ही करना है, इसका कोई टाइम नहीं होता है। आपको जब आपकी इच्छा कर रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, आप तुरंत बिना सोचे समझे अध्ययन इतना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप टाइम देखोगे ना, टाइम की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो कभी रिपीट नहीं होता है। समय कभी दोबारा नहीं आता है, आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अगर आपका टाइम निकल गया, बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो भी ठीक है। टाइम की बहुत ही एक खास बात होती है, टाइम कहता है कि मैं दोबारा नहीं आता हूँ, मैं एक बार यदि आपके हाथ से निकल गया, एक बार चला गया तो आपके जीवन में कभी भी दोबारा नहीं आऊँगा, ये कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए मेरा यूज करो, इतना यूज करो। आप ये कहता है, ये कहता है कि यदि आप मेरे साथ चल रहे हो ना, 100% से, और ये कह रहा है यदि आप मेरे साथ चल रहे हो ना तो आपको पीछे कोई नहीं छोड़ सकता, आपको मुझसे, अगर आप मेरे साथ हो, ये कह रहा है यदि आप मेरे साथ हो तो संसार में आज तक कोई ऐसा जन्म ही नहीं लिया हुआ है जो कि मेरे साथ चलने वालों को कभी हरा सके। दिक्कत यहाँ होती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि अब पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है कुछ काम कर ले रहे हैं तब पढ़ेंगे। सोचते सोचते समय आपका इतना तेज़ी से निकल जाता है कि इंसान भ्रमित रह जाता है, इंसान कंफ्यूजन रह जाता है कि यार मुझे जो करना चाहिए तो मैंने तो किया ही नहीं। देखिए ये अपने हिसाब से चल रहा है, ये अपने हिसाब से चल रहा है, इसको कोई नहीं रोकेगा। ये तो कहता है कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आप सक्सेस भी हो जाओगे, यदि आप मेरे अनुसार चलोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे, नो डाउट, सही बात है। जिसने